सॉफ्टवेयर का आज की वीडियो है ट्रांसपेरेंट विंडो पर। आज हम सीखेंगे कि ट्रांसपेरेंट विंडो कैसे तैयार करें, और इसके लिए हम अपनी जो विंडो तैयार कर लेते हैं। सिंपल सी रूट विंडो फाइव जो है इंक्रीज कर लेते हैं अच्छे से दिखे। इतनी सही रहेगी। तो अभी हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, और तो उसके लिए हमें एक मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमें जिस विंडो को ट्रांसपेरेंट करना होता है तो उस ऑब्जेक्ट का हम नाम लिखते हैं और डॉट देकर हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मेथड से इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। और यहाँ पर माइनस का साइन देकर हमें अल्फा लिखना है, और दूसरी तरफ हमें मैं जो इसकी कैपेसिटी है वो बतानी है कि इसको हमें कितना ट्रांसपेरेंट करना है। जितना हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे उतनी ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये अपनी हमारी जो विंडो है अभी वो आधी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। मैंने इसकी वैल्यू 0.5 रखी थी। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर आप इसको ज़ीरो ही कर देंगे तो ये आपको दिखेगी कि नहीं, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो मत रखना। और कई बार क्या होता है, तो इसका जो इस्तेमाल होता है कई बार हमें एक विंडो के ऊपर का कुछ डेटा जो हमें दिखाना होता है वो हमें ज़्यादा चाहते हैं ट्रांसपेरेंट विंडो के ऊपर आए। जैसे किसी हिस्ट्री को दिखाना हो, किसी कैलकुलेटर की हिस्ट्री को दिखाना हो, तो वो वैसे जैसे आती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो भी कैसे करना है। इसके लिए हमें एक बटन क्रिएट करना होगा, तो हम अपना बटन क्रिएट करते हैं ताकि जब हम बटन पर क्लिक करें तो हमारी जो दूसरी विंडो है वो ओपन हो, जो ट्रांसपेरेंट विंडो इस विंडो के ऊपर ओपन हो। हमें लूप के ऊपर और रहेगा और अभी एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारी दूसरी विंडो शो। और यहाँ पर मैं एक नई विंडो तैयार करने वाला हूँ, वैसे ही जैसे हमने पिछली विंडो तैयार की है। तो आप यहाँ पर टॉप लेवल मेथड से जो भी एक जो टॉप विंडो तैयार कर सकते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊँगा, और आप वो भी देख लेना एक विंडो के ऊपर एक टॉप लेवल विंडो कैसे तैयार की जाती है। तो यहाँ पर हमने इसका जो ज्योमेट्री वगैरह है वो भी दे देते हैं। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स और अल्फा और इसकी कैपेसिटी
कॉमन फंक्शन। ओके तो इसको रन करके देखते हैं और ज्योमेट्री भी दे देते हैं अच्छे से दिखे। रन और अभी हम कमांड देना भूल गए हैं अपने बटन में, तो कमांड दे देते हैं फंक्शन की शो करते हैं। और अभी हमारी जो ट्रांसपेरेंट विंडो है हमारी विंडो के ऊपर शो होती है, और हमें यहाँ पर टेक्स्ट देना होता है, किसी भी तरह का टेक्स्ट आप दे सकते हैं जो ट्रांसपेरेंटली ऊपर शो हो। अच्छी सी विंडो हमें दिखाई दे रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।